हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी बनाने वाले हैं। आप यदि नाश्ते में कुछ फटाफट से बनाने की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। खाने में भी टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ईजी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। यदि इसे मेजरिंग कप से नापेंगे तो ये 2 कप चावल है। आप यहाँ पर कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप हरी मटर, जिसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। फिर डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सब्जियाँ आपको पसंद हो, और जो सब्जियाँ आपको पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। यदि आप यहाँ पर ये नाश्ता ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, जिससे कि जो नाश्ता है ये चटपटा बनकर तैयार होगा। यदि आपके पास चाट मसाला अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर या नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। तो नमक भी आप यहाँ पर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तब भी नमक डालते हैं। तो मैंने जब चावल बनाया था तो उसमें नमक डाला था। आप यदि चावल बनाते समय नमक नहीं डालते हैं तो नमक की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है, और मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। सूजी से होगा ये कि जो चावल के अंदर का मॉइस्चर है वो सूजी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगी, और जो हमारा नाश्ता है वो भी बढ़िया सा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे डो की तरह तैयार करेंगे। पहले हमें सभी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करना है, पानी वगैरह नहीं डालना है। बाद में ज़रूरत लगेगी तो हम पानी को डालेंगे। और सूजी यहाँ पर आपको आवश्यकता अनुसार यूज़ करनी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। एकदम ज़्यादा सूजी भी नहीं डालनी है, नहीं तो इस नाश्ते में आपको सूजी सूजी का ही टेस्ट आएगा। पहले आप सूजी को अच्छी तरह से पूरे चावल के अंदर मिक्स करिए और इस तरह से बाइंड करके देखिए। यदि ये इजली से बाइंड नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा सा पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पर सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं इसे बाइंड कर रही हूँ, तो ये बाइंड तो हो रहा है लेकिन बिखर रहा है। तो हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये इजली से बाइंड हो सके, लेकिन थोड़ा ही पानी डालिए, एकदम ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये डिपेंड करता है कि चावल जो हैं वो एकदम ज़्यादा गीले तो नहीं बने हुए हैं, एकदम ज़्यादा सूखे तो नहीं हैं। जब ये इजली से बाइंड होने लगे तो आप इसमें पानी नहीं डालिएगा। अब आप देख सकते हैं जब मैं इस तरह से उठाकर बाइंड कर रही हूँ तो ये इजली से बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। बचे हुए चावल का ये नाश्ता फटाफट से बनकर तैयार होता है। जब भी आपके घर चावल बचे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के खाइएगा। जब भी चावल बचते हैं या तो हम उन्हें फ्राई करके खा लेते हैं या ऐसे ही गर्म करके सर्व कर देते हैं घर वालों को, और घर वाले खाना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम कोई मज़ेदार सा नाश्ता बना देते हैं तो बचे हुए चावल कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है, और जो हमारे चावल हैं वो फेंके भी नहीं जाते हैं, और घर वाले मज़ेदार सा नाश्ता खाकर खुश भी हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब इस मिश्रण को हम ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो ये मिश्रण है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, और हमने इसके अंदर सूजी डाली है तो वो सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाए। जब सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो ये मिश्रण है ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इस तरह से हाथ को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर, ताकि ये जो मिश्रण है ये हमारे हाथों में नहीं चिपके। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, जितना बड़ा आपको ये नाश्ता बनाना है, और इस तरह से हम इसे गोल करके हल्का सा टिकिया का शेप दे देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके शेप से इसके टेस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी तरीके का इसका शेप बना लें, ये खाने में वैसा ही टेस्टी और यमी लगता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि टिकिया को एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। यदि टिकिया ज़्यादा मोटी बनेगी
तो उसे पकाने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए इस तरह से हम टिकिया बना लेंगे। अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम सारी टिकिया को रेडी करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बनाना बताती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, इस तरह से गोल कर लेंगे पहले बॉल की तरह, और फिर इसे हल्के हाथों से दबा देंगे और इस तरह से उंगली से हम शेप देते जाएंगे। बहुत ही इजीली से बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर खिला सकते हैं घर वालों को। आपने सुबह चावल बनाए हैं तो आप इसे शाम को बनाकर खा सकते हैं, या रात को बच गए हैं तो सवेरे बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए है ना कितना आसानी से बनाना। कि आप चाहें तो इसे ताजे चावल से भी बना सकते हैं। यदि आपके पास सूजी अवेलेबल नहीं है तो आप चावल का आटा डालकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। यदि आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो आप जो घर में चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको आप मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लिया, उसको छान लें और फिर उसका यूज़ करें। तो यहाँ पर बचे हुए चावल की सारी टिकिया बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक पैन में डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं टिकिया को शेलो फ्राई करने के लिए, जो आप अपने घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। एक एक टिकिया उठाकर हम पैन के अंदर रख देंगे। इस तरह से इन टिकिया को शेलो फ्राई होने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि चावल जो है वो ऑलरेडी पके हुए हैं और जो सूजी है वो बहुत जल्दी से पक जाती है। और जो हमने इसके अंदर वेजिटेबल डाले हैं वो भी हमने ऐसी वेजिटेबल्स डाली है जिसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, तो उन वेजिटेबल्स को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। तो जितने टिकिया पैन में आ गई हैं मैंने उतनी रख दी है, बाकी की मैं सेकेंड बैच में शेलो फ्राई करूँगी। अभी ने हम मीडियम फ्लेम पर एक साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। एकदम लो फ्लेम पर इसे शेलो फ्राई बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो सारी टिकिया है ये तेल को एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो गैस की फ्लेम को बीच बीच में लो मीडियम करते रहिएगा। तो ये हल्के हल्के सी एक साइड से शेलो फ्राई हो गई है, इन्हें हम पलट देते हैं। तो इन्हें हमें हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि जो टिकिया है वो अभी हल्की सी सॉफ्ट है। तो थोड़ा सावधानी से पलटिए ताकि जो टिकिया है उसका शेप नहीं बिगड़े। आप चाहें तो इन टिकिया को सुबह शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यदि आप सुबह की चाय के साथ एक जैसा नाश्ता खा खा के बोर हो गए हैं तो इसे बनाकर आप खाइएगा, तो आपकी चाय का स्वाद दुगना हो जाएगा। अब इसी तरह से इसे हम पलट पलट कर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक शेलो फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है टिकिया में। मैंने इस तरह से इन्हें पलट पलट कर शेलो फ्राई कर लिया है और ये टिकिया जो है अच्छी तरह से शेलो फ्राई हो चुकी है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन टिकिया को उठाकर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए वाह कितनी बढ़िया लग रही है ना। कोई कह सकता है कि ये बचे हुए चावल की टिकिया है। तो ये लीजिए बचे हुए चावल की कितनी टेस्टी और डिलीशियस ये टिकिया बनकर तैयार हुई है। कितनी यम्मी लग रही है ना दिखने में, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस रेसिपी को आप अपने फैमिली मेंबर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी का मजा ले सके। तो हम फिर मिलेंगे मजेदार सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।